हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड, आज का वीडियो जो मैं दिखाने जा रहा हूं, उसका टॉपिक है फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग में क्या होता है, जो बिल्डिंग में कोई फायर हो जाए, आग लग जाए, उसके बारे में सभी जानकारी आप सभी भाई को देंगे। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते रहेंगे, इसमें क्या क्या प्रोसीजर होता है सब कुछ आप सभी भाइयों को देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये जनरेटर है, जनरेटर देख रहे हैं, जब भी आग लग जाएगा बिल्डिंग में तो इसको स्टार्ट कर दिया जाएगा तो ये अपना काम करने लगेगा। ये मोटर है, इसको इलेक्ट्रिक से चलाया जाएगा, अगर इलेक्ट्रिक नहीं है तो वो जनरेटर स्टार्ट कर दिया जाएगा। देखिए सामने वाटर टैंक है, वाटर टैंक में से कनेक्शन किया गया है मेन लाइन पानी आने के लिए। देख रहे हैं कितना मोटा पाइप है, ये पानी आएगा, उसका बाल भी है उधर खोलने के लिए। देखिए सामने ये दोनों कनेक्शन किया गया है मोटर में और जनरेटर में, देख सकते हैं इसको कितना हैवी मशीन है और कैसे कैसे इसका सिस्टम है। ये सब इसका स्विच है ऑफ ऑन करने के लिए। इतना प्रोसीजर होता है फ्रेंड फायर फाइटिंग। अगर बिल्डिंग में कोई आग लग जाता है, फ्लैट में कोई आग लग जाता है, उसको जल्दी बुझाने के लिए फायर फाइटिंग का ये काम है। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। रूम में कैसे कैसे इसका पॉइंट गया है, बेसमेंट में इसका जगह रखा गया है, बेसमेंट में मशीन फिक्स है। ये फायर अलार्म है, फायर स्प्रिंकलर बोलते हैं, फायर स्प्रिंकलर। जब भी कोई आग का अंदेशा इसको मिलेगा तो ये साउंड करने लगेगा। पाइप देखिए कितना सब सीलिंग में हैंगिंग किया गया है, सब ये हैंगिंग करके और बेसमेंट के जरिए रूफ तक ले गया गया है। कहीं भी आग का थोड़ा भी संदेशा होता है तो फायर स्प्रिंकलर आवाज़ देने लगेगा, आदमी को जानकारी हो जाएगा कि बिल्डिंग में आग लग गया है, तो बिल्डिंग खाली कर देगा। तो फ्रेंड सब मशीनरी आप देख लिए कि फायर फाइटिंग में कैसे मशीनरी है, क्या क्या सिस्टम है। सिस्टम तो बहुत ही अच्छा है। ये बेसमेंट से जो है फायर फाइटिंग का पाइप आया हुआ है, यहाँ पर फायर कैबिनेट रहेगा जहाँ फायर रोल रहता है, क्योंकि इमरजेंसी में कोई भी आग लग जाए तो उसको यहाँ रोल को खोल करके पूरा कॉरिडोर में ले जा करके और उससे आग को बुझाया जा सकता है। देखिए सीलिंग में फायर फाइटिंग का कनेक्शन किया गया है ताकि इससे पानी जगह जगह पर जा सके। एक लाइन ये भी है, यहाँ भी फायर कैबिनेट रहेगा, रोल रहेगा, ये भी इमरजेंसी के लिए बनाया गया है। ये शाफ्ट बेसमेंट से लेकर के रूफ तक है। जितना लाल वाला पाइप देख रहे हैं सब ये फायर फाइटिंग काम करने के लिए बनाया गया है। हर एक बेडरूम में एक एक पॉइंट ड्रॉप किया गया है, फायर फाइटिंग का एक एक पॉइंट ड्रॉप किया गया है, देख सकते हैं। ये दूसरा रूम है, बिल्डिंग में 250 फ्लैट है, सब में एक एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जो आग लगने पर यहाँ स्प्रिंकलर रहेगा, स्प्रिंकलर जो है नाचने लगेगा, पूरा पानी को फोर्स तो आता ही है मशीन के जरिए, उसको घुमा करके पूरा पानी बिखेर देगा, छीट देगा, फैला देगा रूम में, ताकि कोई भी फायर पॉइंट है, फायर लगा हुआ है तो उसको बुझा देगा। ये ऐसा सिस्टम इसमें दिया गया है। ये सब दोस्त क्यों किया जा रहा है, आदमी को प्रोटेक्शन है कि आदमी को कोई तरह की नुकसान न हो, क्योंकि आदमी जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्डिंग और ऐसा फायर फाइटिंग मशीन और सिस्टम कितना बनाएगा, इसलिए आदमी को बचाया जाने के लिए
ये सब सिस्टम लगाया गया है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और अपने डियर फ्रेंड के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि आने वाले जो भी लेटेस्ट वीडियो हम बनाएंगे वो आप तक मिलते रहे। ऐसा वीडियो हम हमेशा बनाते रहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन लाइन में क्या क्या मैनेजमेंट होता है। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। वीडियो शुरू से आखिर तक देखने के लिए थैंक्स ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर।